बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विक एनालाइज डेटा किस तरह होगा, क्विक एनालाइज ऑप्शन की मदद से, ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, इसमें भी ज़बरदस्त सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, कुछ नंबर इंटर कर लेता हूँ यहाँ, वैल्यू आपका कोई भी डेटाबेस होगा उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं आप ऑप्शन, क्विक एनालाइज ऑप्शन। मतलब उसमें अगर फ़ौरन से हमें कोई फार्मूला अप्लाई करना है या कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है या चार्ट ऑप्शन यूज़ करना है तो क्विकली अप्लाई किस तरह होंगे क्विक एनालाइज की मदद से, तो ये हम देखेंगे। फ़ौरन यानी अप्लाई करना है हमें ऑप्शंस, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिस डाटा के ऊपर हमें फॉर्मेट फार्मूले और फॉर्मेटिंग या चार्ट्स यूज़ करने हैं वो हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम कभी भी कोई डेटा सिलेक्ट करते हैं तो एंड पॉइंट पर आपको ये ऑप्शन शो हो रहा होता है क्विक एनालाइज, ठीक है जी। और इसमें आपको जो ऑप्शन मिलते हैं इस पर क्लिक करने से यहाँ पर मेन ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, यानी अगर इन ऑप्शंस को आप क्विकली अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने डेटा पे तो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चार्ट यूज़ कर सकते हैं, टोटल टेबल स्पार्क लाइन, जो बहुत से मेन्यू में हमें जाकर देखना पड़ता है। जैसे होम में हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर है तो इसके अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर हम चार्ट की बात करें तो वो इंसर्ट ऑप्शन के अंदर मिलता है हमें, इंसर्ट मेन्यू में, फिर यहाँ से हम चार्ट यूज़ कर सकते हैं, स्पार्क लाइन यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ फार्मूले हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। तो अगर हम यूज़र एक्सेल के हैं और इस तरह से इन ऑप्शंस को यूज़ करना है हमें तो हम क्यों ना क्विक एनालाइज को अप्लाई करें ताकि ये डायरेक्ट फ़ौरन से अप्लाई हो जाए, ठीक है जी। तो इस ऑप्शन पे जिस पे आपको अप्लाई करना है सिलेक्ट करने पे एंड के अंदर ये ऑप्शन आ रहा होता है क्विक एनालाइज। इसके अंदर हम अगर फर्स्ट वाले फॉर्मेट ऑप्शन में जाएं तो क्विकली यहाँ कलर बेस्ड फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है, ठीक है जी। कंडीशन बेस्ड यानी फॉर्मेटिंग आएगी, अब जितना जिसमें वैल्यू होगी उस हिसाब से कलर आ रहे होंगे इसके अंदर। इसी तरह यहाँ कलर इस तरह की बेस भी बनी हुई होती है, मैक्सिमम मिनिमम हाई मिड उसकी जो होती है एवरेज कलर की, मैक्स मिनिमम और उसका जो बॉटम टॉप और एवरेज नंबर है वो हाईलाइट, आइकन सेट इस तरह जो डाउन अप और मिड में होता है वो उस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। आइकन बेस फॉर्मेट ग्रेटर देन यानी कोई नंबर अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो जो नंबर आप उसमें बताएंगे उससे बड़ी वैल्यू जो होगी वो आपकी उसमें लिस्ट में हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है जी। अब जो भी नंबर आप इंटर करेंगे तो उस नंबर से जो बड़ी वैल्यू होंगी वो सारी हाईलाइट हो सकती हैं, कैंसिल, ठीक है जी। इसी तरह कैंसिल भी कर सकते हैं। अब ग्रेटर हो गया टॉप 10 में से, यानी जो टॉप 10% की वैल्यू है वो क्लियर करेंगे तो यहाँ से आपकी क्लियर भी हो जाती है। जैसे ये फॉर्मेटिंग करी हमने और फिर यहाँ से ही जाएंगे फॉर्मेट में जाके क्लियर करेंगे तो यहाँ से फॉर्मेट क्लियर भी हो जाता है। और अगर कोई भी फॉर्मेटिंग हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से अप्लाई करते हैं कलर बेस आइकन बेस तो फिर हम इसी ऑप्शन में जाकर यहाँ से क्लियर करते हैं उसको, ठीक है जी। कभी भी कलर वगैरह यहाँ से फॉर्मेट के क्लियर नहीं होते हैं, जो भी आप फॉर्मेटिंग देंगे यहाँ से जाके क्लियर सिलेक्टेड या इंटायर शीट इधर से आप क्लियर कर लें। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें चार्ट, अगर हम कोई भी डेटा अपना ग्राफ या चार्ट में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए चार्ट ऑप्शन यूज़ किया जाता है और ये भी आपको क्विक एनालाइज में मिलता है। इसमें क्लस्टर्ड कॉलम सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से हम चार्ट ऑप्शन भी यूज़ करेंगे और इसमें क्लस्टर्ड कॉलम इस तरह कॉलम बेस ग्राफ या फिर बार चार्ट कहलाता है, इस तरह से राइट साइड पर जो आपके ग्राफ बने हुए लाइन चार्ट ये सारे आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अपने डेटा के अकॉर्डिंग जो आप काम कर रहे हैं और जिस तरह से इंप्लीमेंट करना है पाई चार्ट राउंडेड इस तरह से डेटा प्रेजेंट होता है और जो भी चार्ट आप क्लिक करेंगे क्विकली इंसर्ट करके या मोर में चले जाएं तो वही चार्ट ऑप्शन की जो डिटेल ऑप्शन आते हैं वो आ जाएंगे इस तरह और इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, जो भी चार्ट आपको इंसर्ट करना है। फाइनली ओके करेंगे तो उसका एक चार्ट प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे और उसका फॉर्मेट मेन्यू जैसे नॉर्मल इंसर्ट करके हम यूज़ करते हैं चार्ट फॉर्मेटिंग वगैरह वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मेन आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं क्विक एनालाइज है, तो क्विक एनालाइज के हवाले से जो ऑप्शन है वो मैं बता रहा हूँ। डिटेल ऑप्शन मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे हैं, ये सारी वीडियो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कंप्लीट ऑप्शन इंसर्ट चार्ट ये मैंने अपलोड किए हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे टोटल, ठीक है, चार्ट क्लियर हो गया, सम डायरेक्ट हम प्लस कर सकते हैं। देखें अभी सिर्फ माउस ओवर कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पर टोटल अप्लाई हो रहा है, सम करना है तो सम क्लिक करेंगे ओके कर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से हमें एवरेज करनी है तो हम एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज जिस तरह परसेंटेज कैलकुलेट होती है वही हम एवरेज भी कैलकुलेट के लिए यूज़ करते हैं, एवरेज और परसेंटेज सेम ही होती है। इसी तरह काउंट होता है, जितने सेल में हमारी इंट्रीज़ हुई हुई है तो वो टोटल काउंट करके बताएगा कितने सेल में आपकी इंट्रीज़ हैं,
यानी जो सेल नंबर वाले सेल हैं वो काउंट। तो टोटल 7 के अंदर जो है वो हमारे पास काउंट सेल हो रहे हैं, 7 के अंदर हमारी एंट्रीज हुई हुई हैं सेल की। इसी तरह अगर हम यहाँ टोटल में आए परसेंट, तो यहाँ पर हमारे पास 100% टोटल। इसी तरह अगर रनिंग टोटल की हम बात करें तो इस तरह हमारे पास रनिंग टोटल भी आ जाता है, लेकिन हमें रनिंग टोटल इसके राइट कॉलम पे प्रिंट कराने हैं। यानी जैसे 45 आएगा तो 50 यहाँ प्लस हो जाए, 95 फिर उसके बाद 65 प्लस हो, तो इस तरह से। तो इसके लिए टोटल ऑप्शन में हम जाएंगे, यहाँ पर सम ऑप्शन का ये ड्रॉप बना हुआ है राइट, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर हम टोटल परसेंट, अगर हमें राइट सेल में लिखा हुआ प्रिंट करने हैं फॉर्मूले सेल के साथ साथ सिंगल सेल बेस, तो फिर हम इस तरह से राइट क्लिक करके ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे रनिंग टोटल में देखें इस तरह से यूज़ हो जाएंगे ये आपके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी डाटा आपने बनाया हुआ है अगर उसको टेबल में ऐसा कन्वर्ट करना है, तो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और क्विक एनालाइज ऑप्शन में ही जाएंगे और यहाँ पे टेबल के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, टेबल जब कन्वर्ट हो जाएगा तो कोई भी रिकॉर्ड आप डिज़ाइन से जाकर उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल हम टेबल में डेटा को फॉर्मेट एज अ फॉर्मेट टेबल के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो भी आप राइट क्लिक से अप्लाई कर सकते हैं इसको। स्पार्क लाइन चार्ट जो होता है सेल वेस फॉर्मेटिंग होती है इस तरह से। ठीक है जी, विन लॉस लाइन कॉलम या इस तरह से आप रख सकते हैं। ठीक है जी, जिसमें ज़्यादा वैल्यू होगी वो ज़्यादा और जिसमें कम वैल्यू होगी थोड़ी सी कम उससे हाईलाइट हो रही होती है, और इसी को अगर चेंज करना है तो फिर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह स्पार्क लाइन चार्ट को एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो सिंपल वैल्यू है, तो सीधी सीधी लाइन बनी हुई आ रही है। अगर हम यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस की एग्जांपल के ऊपर समझाऊँ मैं, तो मुझे जहाँ इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो वहाँ इनकम का यहाँ पे ज़्यादा शो हो रहा हो ग्राफ, और जहाँ एक्सपेंस ज़्यादा इनकम कम है तो वहाँ एक्सपेंस का ग्राफ ज़्यादा शो हो रहा हो। तो इस तरह से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक डाटा सिंपल सा तैयार करेंगे, ठीक है जी, उसके अंदर आप कॉलम सेलेक्ट करें और क्विक एनालाइज में स्पार्क लाइन या फिर इंसर्ट में भी जाकर ये ऑप्शन आ जाता है आपके पास। इसमें दिया हुआ आपको कॉलम और यहाँ पे दिया हुआ है विन एंड लॉस। इसी तरह आप रेंज सेलेक्ट करेंगे या फिर ये देखें अब इसमें रेंज आ रही है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट इससे यूज़ करके अप्लाई करेंगे तो इसमें रेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, सिंपल आप कॉलम स्टाइल ले लें या ये ले लें। ठीक है जी, तो जिसमें ज़्यादा होगी कम होगी वो बराबर या फिर इस तरह से आ रही होगी डाउन अप, तो ये वाला कॉलम बेस सही है जो मैं बता रहा था कि अगर इनकम ज़्यादा होगी एक्सपेंस कम है तो वो कम शो होगा, या फिर एक्सपेंस ज़्यादा इनकम कम है तो इनकम वाला कम शो होगा। तो कॉलम सेलेक्ट, अब देखें यहाँ पर 32 इनकम है और एक्सपेंस 65 है, तो इसका जो शो हो रहा है रिकॉर्ड वो बिल्कुल सॉलिड एक लाइन की तरह से आ रहा है। तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं स्पार्क लाइन चार्ट। तो फुल फॉर्मेटिंग फार्मूला चार्ट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और टेबल ऑप्शंस हमें क्विक एनालाइज में मिलते हैं, और ये सब मैंने आज इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं और इसके मेन मेन ऑप्शन मैंने भी बता दिए। इसको अगर डायरेक्ट हमें यूज़ करना है तो इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ जाएंगे, किस मेन्यू में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो होम में जाएंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, लेकिन कुछ ऑप्शन जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं वो क्विक एनालाइज में, लेकिन जो डिटेल ऑप्शन होते हैं पूरी लिस्ट वो आपको ऑप्शंस में ही जाकर मिलती है। जैसा उसमें सिर्फ ग्रेटर था, लेस नहीं है, बिटवीन नहीं है, इक्वल नहीं है, टैक्स देन कंटेन है, डेट अक्वायरिंग डुप्लीकेट, तो इस तरह के डिटेल कंप्लीट यहीं पर मिलेगी। टेबल में आपको फॉर्मेट डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके फॉर्मेट मेन्यू से जाके हम उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो टेबल ऑप्शन को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फार्मूले में सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम यहाँ दिया हुआ है, कुछ रनिंग टोटल वगैरह उसमें यहाँ नहीं है, तो फिर वो हम क्विक एनालाइज से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा चार्ट और स्पार्क लाइन मैंने बता दिया आपको। इंसर्ट में हमारे पास चार्ट और स्पार्क लाइन यहाँ से, और जब स्पार्क लाइन चार्ट हम यूज़ करेंगे तो उसकी भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन आते हैं। क्लिक करेंगे इसका, देखिएगा मेन्यू के एंड में यहाँ पर आ रहा होगा मेन्यू डिज़ाइन, और उसके अंदर से आप उसके कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसके कलर्स दिए हुए हैं सारे, ठीक है जी, जो फॉर्मेटिंग अच्छी लगे उस हिसाब से आप उसके कलर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इस चार्ट को क्लियर करना है, नॉर्मल चार्ट हम डिलीट से क्लियर करते हैं, अगर इसको डिलीट करेंगे तो ये क्लियर नहीं होता। स्पार्क लाइन चार्ट अगर आप ड्रॉ करके उसको क्लियर करना चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करके इसी के मेन्यू में डिलीट डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे दिए हुए क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन, तो ये चार्ट का ऑप्शन स्पार्क लाइन से ही डिलीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि सारी ये जो आपकी
फॉर्मेटिंग के डेटा के ऑप्शन मैंने शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, नॉलेज वो आपको अच्छी लगी होगी, इसी तरह से आपके लाइक भी होने चाहिए जो फर्स्ट जगह। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम शाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।